देखिए, अब जो सीरीज चलेगी हमारी, हमने जो हमारी पिछली सीरीज है वो फैक्टर्स की थी, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम के अंदर अब आ रहा है, अब ये अगर आप पीछे जितने भी नेवी एयरफोर्स के एग्जाम उठा के देख लें, या अब तो HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी उसमें से एग्जाम देने लगे, उसमें से क्वेश्चन आने लग गए। पहले नहीं आते थे, लेकिन अब लेवल उन्होंने बढ़ा दिया तो वहाँ पे भी वो क्वेश्चन देने लग गए। SSC में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी हमारा बना हुआ है वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, संभावना, ठीक है। इसका वैसे तो प्रायिकता होता है, ये प्रायिकता या संभावना होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसको समझाने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेकिन फॉर्मूला को बाद में समझना, पहले इसको प्रैक्टिकली समझो। मान लीजिए आपको एक, आपके शहर में मान लीजिए एक तो बजाज का शोरूम है और एक है हीरो का। आपको बाइक लेनी है, ठीक है, एक बाइक लेनी है, कैपेसिटी आपकी एक बाइक की है फिलहाल, आप एक बाइक लेना चाहते हैं। आप किसी को साथ लेके गए कि मुझे बाइक लेनी है, तो वो आपको क्या कहेगा, या तो यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, दो ही कंडीशन देगा। तो हमारे पास जितनी भी कंडीशन होती हैं उनको बोलते हैं टोटल नंबर होते हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर हो गए। अब हमें किसकी चाहिए, हम या तो भाई बजाज की लेंगे या हीरो की लेंगे, यही है, तो उनको बोलते हैं, ये तो मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए भाई, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। हमें एक चाहिए, जो हमें चाहिए वो क्या होगी, फेवरेबल, जो हमारे फेवर में होगा उसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। देखिए, इस फॉर्मूला क्या तैयार हो गया हमारे पास, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। मतलब हमें एक बाइक चाहिए थी तो वो तो आएगी ऊपर, अपॉन कितने ऑप्शन है हमारे पास, कितनी कंपनी के ऑप्शन है, दो के हैं, दो के। हमें एक कंपनी की लेनी है लेकिन ऑप्शन हमारे पास कितने कंपनी के हैं, दो कंपनीज के ऑप्शन है, बजाज हीरो दो ऑप्शन है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है ये बन गया। इसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे। अब चूंकि अब हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, तो बेसिक से ही सिखाएंगे और लेवल जो है बिल्कुल अब तक करेंगे उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने बेसिक चीज पढ़ी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है भाई, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हमारा फॉर्मूला हो गया अब इसका। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी के बारे में, जैसे सिक्के होते हैं भाई, क्वाइन होते हैं, क्वाइन हमारे पास आपने देखा होगा, क्वाइन होते हैं, एक सिक्का होता है, तो एक सिक्के में कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू, वो यही बात है, एक सिक्का होता है उसके दो फेस होते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा भाई, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, एक सिक्का आपने उछाला तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा आपके पास, टेल आएगा, दो ही कंडीशन, दो ही चीजें आएंगी। दो सिक्के आपने उछाले, या तो दोनों के ऊपर हेड आएगा, या एक पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या पहले पे टेल आएगा तो दूसरे पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा भाई, कितने कंडीशन बनेंगे, इनको बोलते हैं सैंपल स्पेस, कितने बने, एक दो तीन चार, इनको क्या बोलते हैं भाई, चार, ये हमारे बन गए सैंपल स्पेस। दो सिक्कों के कितने बने, चार। मान लीजिए सिक्के तीन हो जाएं, सिक्के तीन हो जाएं, तो देखिए भाई सिक्के तीन हैं तो या तो तीनों पे हेड आ सकता है, या दो पे हेड तीसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल फिर तीसरे पे हेड आ सकता है, या पहले पे टेल लास्ट के दो के ऊपर हेड आ सकता है, या तीनों पे टेल आ सकता है भाई, या शुरू के दो पे टेल आ गया तो तीसरे पे हेड आ गया, या पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया फिर टेल आ जाएगा, या पहले पे हेड आ गया तो दूसरे पे टेल और तीसरे पे टेल आ जाएगा, टोटल कितने हो गए हमारे पास,
देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हो गए? 8। अब मैं आपको देखो एक चीज़ ये समझाने के लिए, क्या है, यहाँ पर 2 बने थे, ये 4 और अगला 8। जब एक सिक्का था तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 बना, सिक्के 2 हुए तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 बन गए, सिक्के 3 हुए तो क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 हो गए। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करूँ कि मेरे पास सिक्के अगर 4 हों, 4 सिक्के उछाले जाएँ तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, तो क्या बताओगे? 2 की पावर 4। 5 सिक्के हो तो 2 raised to power 5। 6 हो तो 2 की पावर 6। अब क्यों ना एक जनरल फॉर्मूला बना लें हम, यहाँ से बन जाएगा। अब मान लो हमारे पास n सिक्के हैं, n मतलब कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 raised to power n। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 raised to power n हो जाएगा, ठीक है ना। सिक्कों का सैंपल स्पेस निकालने का तरीका पता लग गया होगा, 2 raised to power n होगा भाई, ध्यान ये रखना, ठीक है। अब हम पहुंच जाते हैं डाइस के ऊपर, ठीक है, डाइस के ऊपर पहुंच जाते हैं। देखिए ये बेसिक करवा रहे हैं, अभी इसके क्वेश्चन नहीं करवाए हैं कुछ भी, सिर्फ बेसिक करवाए हैं, बेसिक के बाद में हम क्वेश्चन के ऊपर पहुंचेंगे। डाइस के ऊपर आ जाते हैं भाई, डाइस पे सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, सैंपल स्पेस बनाना सिखा रहे हैं सिर्फ। सैंपल स्पेस में देखिए डाइस के, एक अगर डाइस है, डाइस मतलब लूडो वाली, कितने हुए उसके ऊपर, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः होते हैं ये भैया, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, अब ये तो है नहीं, 7 आ जाएगा या 0 आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, 6 फेस होते हैं, 6 ही आ सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 2 डाइस फेंकी, तो 2 डाइस के अंदर देखो कैसे बनेंगे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, याद रख लेना फिर इसको फटाफट, मतलब कि याद क्या, दिमाग में बिठा लेना कैसे कैसे होगा, और आसान तरीके से बताएंगे। देखो पहले 1, 1 ले लो, ठीक है, अब यहाँ पर पूरी लाइन में 1 रहेगा सेम, बाकी चेंज करते जाओ, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? एक पे एक आया तो दूसरे पे एक आया, एक पे एक आया दूसरे पे 2 आया, पहले पे एक आया दूसरे पे 3 आया, जितने भी हैं सारे बना के दिखाएंगे। पहले पे 2 आया, फिर इस पे एक आया, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ठीक है, पहले पे 3 आया, फिर दूसरे पे 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, अब 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, अब यहाँ पे 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6, ये हो गए भाई हमारे पास, ठीक है। कितने बन गए? 36 बन गए, एक लाइन में 6, 6 लाइन है, कितने हो गए टोटल? 36। अब एक चीज़ आपने नोट की, पहली में 1 थी तो 6 की पावर 1 बन गया, एक डाइस थी, यहाँ पर डाइस है तो 6 की पावर 2 बन गया, क्यों ना एक फॉर्मूला बना लें। मान लो अगर आप सब कोई कोई 3 डाइस एक साथ फेंकी, तो 3 डाइस में कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? 6 की पावर 3। 4 हो तो 6 की पावर 4, और n हो तो, अब जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? n डाइस है, n मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6 की पावर n हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में दिमाग में रखना कि ये हमारा होता है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए तरीका, इसी में आपको कुछ एक चीज़ें क्लियर भी करनी है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, इनको बोलते हैं हम डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? डबलेट बोलते हैं, यानी कि ये नंबर डबल है, 1, 1 दोनों पे सेम नंबर, दोनों पे सेम नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? डबलेट। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या तो ये पूछ लेता है कि डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो डबलेट 6 ही होते हैं, 6 होते हैं, और टोटल कितने हो गए? 36, तो 6/36 हो गया, ठीक है। या हमसे ये पूछ लेगा कि दो डाइस एक साथ फेंकी गई, तो दोनों का सम इवन हो, दोनों का सम ओड हो, या दोनों का सम प्राइम हो, ऐसी कंडीशन कहेगा। तो प्राइम का देखो, सबसे पहले हम इवन के ऊपर आते हैं, 2 का जोड़ इवन, 1+1 2, ये हो गया,
एक प्लस तीन चार, तो कहने का मतलब एक छोड़ एक आएगा, 36 है, कितने आएंगे, 18 इवन होंगे और 18 ओड होंगे, तो 18 अपॉन 36 हो जाएगी इवन की, 18 अपॉन 36 हो जाएगी ओड की। मान लो अब हमसे कोई कहे दोनों का जोड़ है वो प्राइम होना चाहिए, प्राइम मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 12 तो लास्ट ही है, 13 तो नहीं सकता इसमें, तो 11 इन चार, ये चार सम किस किस के आ रहे हैं, देखो एक और एक दो इसका आ रहा है, 3, 1 और 2, 3, 5, 1, 4, 5 का, और 7 भी है, 1, 6 का 7 आ रहा है, ठीक है। ऐसे जितने भी नंबर हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे और उनके अपोन में क्या लिख देंगे, 36 लिख देंगे, जैसे हमारे पास हो गए थे कुछ एक लाइन, पहली लाइन ऐसे नीचे तक हम ढूंढ लेंगे उन सबको, अपोन में क्या लिख देंगे, 36 लिख देंगे भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी पहली कंडीशन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे बढ़ने का मतलब ये है, अब इसमें कुछ एक चीज़ें हैं उनको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले चीज़ बताते हैं आपको, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास वो 0 और 1 के बीच होती है भाई, ठीक है, 0 और 1 के बीच होती है। मतलब नेगेटिव, आपसे कई बार कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती, 1/3, 1/5, -2/7, 4/8 कौन से नहीं हो सकती, या इसकी जगह ये दे दे 0.3, जैसे यहाँ पर दे दे 0.25, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये मत कह देना कि ये नेगेटिव भाई। हाँ, सबसे पहले देखिए 0 से कम नहीं हो सकती, पहली बात तो ये, तो 0 से कम ये रहा, ये नहीं हो सकती, ठीक है, ये हमारे पास इसका ये जवाब हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ, आपसे कोई कहे कि आपके गांव में बारिश हो रही है, फिलहाल मान लीजिए आपके गांव में बारिश हो रही है, मैं आपसे कहूँ कि आपके गांव में बारिश नहीं हो रही, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, बारिश तो हो रही है, ये चीज़ तो हो नहीं सकती कि बारिश नहीं हो रही, क्योंकि फिलहाल की बात, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे हो रही है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा कि आपके जो जहाँ पे रहते हो वहाँ पे बारिश हो रही है, नहीं हो रही लेकिन वहाँ पे बारिश हो रही है, तो इसकी कंडीशन क्या हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि इम्पॉसिबल है भाई, वहाँ पे हो रही है ना। अब मैं आपसे कहूँ 1 सप्ताह में 8 दिन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, भाई 1 सप्ताह है 7 दिन का होता है 8 दिन कहाँ से आ जाएंगे, नहीं आ सकते, तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलते हैं भाई इसको, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। अब मैं कहूँ आज शुक्रवार है कल शनिवार होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, आज शुक्रवार कल शनिवार ही होगा, तो जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी कंफर्म हो भाई ये तो होना ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, यानी कि ये तो होना ही है निश्चित, ठीक है। अब आती है हमारे पास आगे, इसमें देखिए एक आता है इसमें इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, इसको भी समझ लीजिए क्या चीज़ होती है। अब देखो मान लीजिए मैं आपसे एक सिक्का दे दूं आपके हाथ में, आप इसको उछालिए, सिक्का है, सिक्के के दोनों साइड मतलब अनबाइस्ड है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये नहीं है कि भाई दोनों साइड हेड आए या टेल आए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है, तो इक्वली लाइकली दोनों का चांस क्या है, दोनों का चांस क्या है, बराबर है, तो भाई जिसमें कोई भी हमारे पास जैसे जिसमें हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उसके अंदर जो होने की और ना होने की संभावना जहां बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। दोज इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इज इक्वल, जहां पे होने और ना होने की संभावना क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने सिक्के का एग्जाम्पल दिया, तो सिक्के में हेड की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है हमारे पास, 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बराबर होगी, 1/2, 1/2, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आती है हमारे पास एक चीज आती है, मैं अगर आपसे कहूँ कि किसी चीज के होने की संभावना, कोई चीज है उसके होने की संभावना 5/6 है,
तो उसके ना होने की संभावना कितनी होगी? ठीक है, ना होने की संभावना कितनी होगी? तो कैसे करोगे, तरीका बता देता हूं मैं आपको। किसी भी चीज के होने की संभावना प्लस किसी भी चीज के ना होने की संभावना, दोनों का सम हमेशा वन होता है। किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा कितना आता है? वन आता है। अगर इनमें से कोई भी एक निकालनी हो ना, कोई भी एक निकालनी हो, तो जो दे रखा है ये ई के ऊपर बार है भाई, जो दे रखा है ना उसमें वन में से माइनस कर दो उसे। तो जैसे हमें निकालना है पी ई डैश निकालना, तो वन में से फाइव अपॉन सिक्स को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये वन अपॉन सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी इसकी बेसिक वीडियो थी हमने, जिसमें मतलब बेसिक चीज़ें बताई हैं। अभी कार्ड्स वगैरह रह गए वो अलग चीज़ है, पहले हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, एक एक वीडियो में एक एक चीज़ को हम सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी जल्दी आएगी, अब इसकी नेक्स्ट पूरी सीरीज करेंगे।